हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड टॉपिक पर, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। और उसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो एल्डिहाइड और कीटोन्स के हैं वो हमने अभी तक फिनिश कर लिया है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स के रिएक्शन को फिनिश करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे इस यूनिट के अगले हिस्से पर। और अगला हिस्सा है इस यूनिट का कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग भले ही वो बहुत शॉर्टकट में है बुक्स में, लेकिन हम लोग उस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन स्किप हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH ग्रुप वाले कंपाउंड हैं, जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, ये है आपका कार्बोनाइल ग्रुप, ओके। और दूसरा जो ग्रुप है OH, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके। और दोनों ग्रुप का कॉम्बिनेशन है यहां पर, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहां से लाए कार्बो और यहां से लाए एक्स बाय एल आई सी जोड़ा, तो कंप्लीटली ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या ध्यान रखना है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन कार्बोक्सिलिक एसिड बोथ कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल, बोथ कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वो कंपाउंड्स हैं जिनमें, जिनके अंदर क्या क्या चीजें रहेगी, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो प्रीफिक्स है वो है कार्बोक्सी, नेमिंग का सिस्टम इसका कैसा है, तो प्रीफिक्स है कार्बोक्सी और सफिक्स है इसका ओइक एसिड, सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज ओइक एसिड, क्या सफिक्स है इसका, ओइक एसिड इज द सफिक्स फॉर दिस कंपाउंड, ओके। तो कार्बोक्सी इसका प्रीफिक्स है और सफिक्स है इसका ओइक एसिड। अगर हम इनिशियल मेंबर के बारे में बात करें तो HCOOH इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, जो कॉमन नेम होते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड है तो ये इसके ओरिजिन पर बेस रहता है कि वो किस कंट्री से आया, कैसे डिस्कवर हुआ, इन सारी चीजों पर बेस होता है। तो फॉर्मिक एसिड जो टर्म है ये फॉर्मिका से आया हुआ है, फॉर्मिका जो जिसको हम लोग लाल चीटी कहते हैं उसको ग्रीक भाषा में फॉर्मिका कहते हैं, और फॉर्मिका को डिस्ट्रक्ट करके, उसको डिस्टिल करके, बॉइल करके बनाया गया पहली बार ये कंपाउंड, इसलिए इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, ओके। एंड द सिंपलेस्ट IUPAC इज द सिंपल, ओके। हाउ मेनी कार्बन इज देयर, ओनली ये आपको सर्च करना है, तो वन कार्बन इज देयर, सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, ओइक एसिड इज द सफिक्स, सो इट्स नेम इज मिथानोइक एसिड, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मिथानोइक एसिड कहेंगे। एसिटिक एसिड CH3COH, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिटम और विनेगर, किससे डिराइव है, ये एसिटम से डिराइव है, और एसिटम को हम विनेगर भी कहते हैं, हिंदी में उसको सिरका कहते हैं, तो एसिटिक एसिड इसका नाम आया इस तरीके से। और एसिटिक एसिड को IUPAC सिस्टम में हम इथानोइक एसिड कहते हैं, इथानोइक एसिड कहते हैं। तीन कार्बन का C2H5COH हो जाएगा, तो अब नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड,
C3H7COH हो जाएगा, तो कॉमन नेम है इसका ब्यूटारिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। बटर के अंदर होता है ये, और IUPAC नेम हो जाएगा इसका ब्यूटानोइक एसिड। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्यूटानोइक एसिड। तीन कार्बन वाले को प्रोपनोइक, चार कार्बन वाले को ब्यूटानोइक एसिड कहेंगे। मैंने आपको बताया कि ये बटर में प्रेजेंट रहता है, एंड इट्स फंक्शन इज टू डायलेट द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, मतलब लंग्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में इसकी बहुत जरूरत है, और सोर्स आपको पता ही है, बटर इसका सोर्स है, तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि इस समय लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है जिससे कोरोना वायरस का इफेक्ट ना पड़े। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को सिंपली नाम करना है, उसका कार्बन चेक करना है और ऑइक एसिड जोड़ देना है। अब जब हम बात करते हैं डाइकार्बोक्सिलिक की, तो यह आया COH, कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड इज ऑक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? कॉमनली ऑक्सिलिक एसिड कहां मिलता है? टोमेटोस में मिलता है, टमाटर के अंदर रहता है ऑक्सिलिक एसिड, और इंक स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है ऑक्सिलिक एसिड। ये ध्यान रखेंगे, कहीं पर शाही के धब्बे लग जाएंगे तो उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सिलिक एसिड का अब IUPAC नेम देखो, 1-2 दोनों साइड से 1-2, तो इथेन 1-2 डायओइक एसिड, इथेन 1-2 डायओइक एसिड। अगर मैंने इस तरीके का कंपाउंड लिखा COH, तो प्रोपेन 1-3 डायओइक एसिड, प्रोपेन 1-3 डायओइक एसिड इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और सिंपली जब इनके कॉमन नेम्स की बात आती है, तो मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया था यहां पे, ओ माय सच गुड एप्पल, ओके। तो डाइकार्बोक्सिलिक के लिए ऑक्सिलिक, माय फॉर मालोनिक, एस फॉर सक्सेनिक। तो इस तरीके से इनके कॉमन नेमिंग का सीक्वेंसिंग आपको पहले से पता है। अब देखो, जैसे मैंने इसको लिखा तो ये हो जाएगा 1-2-3-4, क्या नाम हो गया? ब्यूटेन 1-4 डायओइक एसिड, ब्यूटेन 1-4 डायओइक एसिड, कॉमनली इट इज कॉल्ड सक्सेनिक एसिड, और कॉमनली इसको हम क्या कहते हैं? सक्सेनिक एसिड कहते हैं। एसिड्स के कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एसिड के कॉमन नेम भी आपको याद करने हैं, ये ध्यान रखना है। एसिड के कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम ऑफ एसिड्स, ओके। अब इसके बाद ये हो गया आपका डाइकार्बोक्सिलिक के नेमिंग का मेथड। अब मान लीजिए अगर बेंजीन रिंग पर है, या साइक्लो रिंग पर है, और या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज है, ट्राई उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो साइक्लोरिंग, बेंजीन रिंग, साइक्लोरिंग और ट्राई कार्बोक्सिलिक कह सकते हैं। मैं ट्राइकार्बोक्सिलिक ही बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तीन या उससे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, 3 or more than 3, तभी हाउ टू नेम द कंपाउंड। तब देखो, पहले मैं आपको ट्राइकार्बोक्सिलिक वाले का एग्जांपल बताता हूं। जैसे COH, CH2, CH, COH, CH2, COH, देयर इज अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, क्या चेंज करना है? द COH ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द कार्बन चैन, COH ग्रुप को कार्बन चैन में इंक्लूड नहीं करना है, COH ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द कार्बन चैन, COH ग्रुप को कार्बन चैन में इंक्लूड नहीं करना है। तो जब COH को इंक्लूड नहीं करोगे तो कितने कार्बन बचे आपके पास? 1, 2,
three carbon is there. 1, 2, 3 carbon is there only. So the name of the compound is propane. 1, 2, 3. देखो वन पे भी COH है, टू पे भी COH है और थ्री के साथ भी COH है. प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब यहां पे ओइक एसिड वाला प्रोनंसिएशन नहीं आएगा. देयर इज नो प्रोनंसिएशन लाइक ओइक एसिड. ठीक है, तो क्या नाम हो गया? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. ऐसा ही बिल्कुल सिमिलरली हमने आपको एक नेमिंग बताया था साइट्रिक एसिड का, है ना. साइट्रिक एसिड में एक OH ग्रुप अलग से एडेड रहता है. तो देखो उसको भी ले लेते हैं फिर से. देयर इज OH, COH, CH2, COH. Now again three carbon atom is there and the name of the compound is 1, 2, 3. Second pe hydroxy group aa raha hai yahan pe. This is commonly known as citric acid. Aur citric acid jo hai un sabhi fruits aur un sabhi substances mein milta hai jo citrus hote hain. Citrus matlab khatte hote hain. Theek hai, to citric acid kya naam ho jayega? 2 hydroxy प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके. तो ये इस कंपाउंड का IUPAC नाम हो गया, है ना. और हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया है, एसिड के बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में बात किया. अब अगर रिंग पे होगा या फिर साइक्लोरिंग पर होगा तब कैसे नाम करेंगे? तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है. द सेवंथ कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रिंग, या जो भी नंबर है, अगर 5 है तो छठवां कार्बन डायरेक्टली रिंग पर अटैच होगा. तो डायरेक्टली रिंग पर अटैच होगा तो उसके लिए फिर एक नया सिस्टम बनाया गया, उसको हम कार्बोटॉम से प्रोनाउंस करेंगे, है ना. लाइक बेंजोइक एसिड, जैसे हमने कहा दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड. इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजोइक एसिड. द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक. बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज नोन एज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर हम इसको ऐसा लिख देंगे COH, COH, टू कंटिन्यूअस COH ग्रुप इज कॉल्ड थैलिक एसिड. द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड इज थैलिक एसिड. इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड. बेंजीन 1,2-dicarboxylic एसिड. 1,2-dicarboxylic एसिड. 1,2-dicarboxylic एसिड. बेंजीन 1,2-dicarboxylic एसिड, कॉमनली नोन एज थैलिक एसिड. कॉमन नेम है इसका थैलिक एसिड. तो मैंने जैसा आपको बोला कि एसिड्स का स्ट्रक्चर्स, एसिड के सभी स्ट्रक्चर हमको ध्यान रखने हैं. मैंने बहुत सारे बता दिए हैं आपको, जो कुछ अगर नए स्ट्रक्चर आपको बुक में मिलते हैं तो उनके भी नाम आपको ध्यान रखना है. अब जैसे एक कंपाउंड और ले लेते हैं. देयर इज कार्बोक्सी ग्रुप एट 1,4 पोजिशन. कार्बोक्सी ग्रुप यहां पे 1,4 पोजिशन पे है. तो कॉमनली इट इज कॉल्ड टेरिथैलिक एसिड. कॉमन नेम क्या है? टेरिथैलिक एसिड. इट इज कॉल्ड टेरिथैलिक एसिड. एंड इन IUPAC इट इज कॉल्ड बेंजीन 1,4-dicarboxylic एसिड. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. बेंजीन 1,4-dicarboxylic एसिड. बेंजीन 1,4-dicarboxylic एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ टेरिथैलिक एसिड. टेरिथैलिक एसिड इसको कहते हैं. ठीक है, सो मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिड आर देयर. और हमने सभी स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया है पहले से. देखो ये आ गया अब साइक्लोहेक्सेन. तो क्या सिखाएंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. इट इज नेम्ड एज साइक्लोहेक्सेन
कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलिक साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड. व्हेन इट इज लाइक दिस, अगर ये ऐसा है तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ इट इज नोन एज साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, तो इट इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग के सिस्टम की बात की हमने. देन अब हम बात करेंगे इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं. प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाउ टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रिपेयर्ड. प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे जो दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, उनके लैब प्रिपरेशन और कॉमर्शियल प्रोडक्शन मेथड के बारे में. उसके बाद फिर आगे जनरल मेथड पर बात करते हैं. तो पहले लैब प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसेटिक एसिड ऑल्सो ले लेते हैं. एसेटिक एसिड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर्मिक एसिड एंड एसेटिक एसिड इन द लैबोरेटरीज. तो लैब में फॉर्मिक एसिड और एसेटिक एसिड को कैसे बना सकते हैं, उस टॉपिक पर बात करते हैं. नंबर वन, पहली बात, व्हेन ग्लिसरॉल इज treated with, glycerol is treated with oxalic acid. Glycerol is treated with oxalic acid at 110 degree. Glycerol is treated with oxalic acid at 110 degree. Then it gives formic acid. Then it gives formic acid. तब क्या बनता है? Formic acid बनता है. ग्लिसरॉल की रिएक्शन अगर हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड. बड़ा रिएक्शन है और मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से इस पे बात करते हैं. ग्लिसरॉल, ऑक्सैलिक एसिड 110, फॉर्मिक एसिड 260 एलाइल अल्कोहल, दोनों बता के लिया था मैंने आपको, है ना. तो ग्लिसरॉल, फॉर्मिक एसिड 110. तो देखो, ग्लिसरॉल इज CH2OH, CHOH एंड CH2OH. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल विद ऑक्सैलिक एसिड. तो जब ऑक्सैलिक एसिड से ट्रीट करना है तो ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अंडरगो द केमिकल रिएक्शन 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. और यहां से मैंने वाटर रिमूव किया, है ना. फर्स्ट टाइम वाटर इज रिमूव हियर. Now the next product is, the intermediate is COH, CHOH और ये CH2OH. नीचे वाले कार्बन पर हमने कोई काम नहीं किया है. This compound is called glycerol monooxalate. इस कंपाउंड को हम कहते हैं glycerol monooxalate. ओके, नाउ दिस कंपाउंड इज डीकार्बोक्सिलेट. इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज CHOH और CH2OH. ओके, दिस इज ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बन जाएगा. एंड फर्दर इट गेट हाइड्रोलाइज, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे. नाउ दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड. अगेन ग्लिसरॉल इज बाय प्रोडक्ट, तो ग्लिसरॉल इसमें फिर से एज अ बाय प्रोडक्ट आ जाएगा. CHOH एंड CH2OH इज द बाय प्रोडक्ट. तो ग्लिसरॉल बन जाएगा और साथ साथ फॉर्मिक एसिड बन जाएगा. तो नाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्मिक एसिड एंड
ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इट इज अबाउट द लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो ग्लिसरॉल को ऑक्सैलिक एसिड के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ट्रीट करते हैं तब बनता है फॉर्मिक एसिड। और मैंने आपको बताया था इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 260 डिग्री, अगर ये रिएक्शन 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुरू होगी तो प्रोडक्ट इज एलाइल अल्कोहल, तब प्रोडक्ट बनेगा एलाइल अल्कोहल। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए एक बार फिर से लिख देते हैं। तो ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक एसिड, ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक एसिड एट 260, ऑक्सैलिक एसिड एट 260, 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या डिफरेंस आ रहा, समझ आया? द डिफरेंस इज देयर, बोथ द ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट्स टुगेदर एंड इनिशियली इट फॉर्म्स साइक्लिक कंपाउंड फॉर वेरी फ्यू टाइम। ओके, ओ ओ और ये सी सी एच, ओ ओ और ये सी सी एच टू ओ एच इज द कंपाउंड, इज द कंपाउंड। ओके, ग्लिसरॉल डायऑक्सलेट, नाउ दिस कंपाउंड इज डीकार्बोक्सिलेट अगेन, 2CO2 इज रिमूव्ड हियर एंड नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज एलाइल अल्कोहल। तो एलाइल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आएगा जब हमारे हमने टेम्परेचर कितना दिया है, 260 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया, तो प्रोडक्ट इज द एलाइल अल्कोहल, क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, एलाइल अल्कोहल यहां पे आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन 260 पर। ओके, अब देखो आगे बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर एसिटिक एसिड इन लैब। तो लैब प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर बनाने का लैब मेथड क्या है उसके बारे में बात करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर विनेगर और एसिटिक एसिड इन द लैबोरेटरीज। तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन, और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन है और एसिड तक जाना है, तो जो कैटलिस्ट होगा यहां पे वो कैमनोफोर अल्कलाइन, अल्कलाइन कैमनोफोर और एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7 एसिडिक और अल्कलाइन कैमनोफोर इज द कैटलिस्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नीडेड हियर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमको जरूरत पड़ेगी। तो नाउ इन द फर्स्ट स्टेप दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू CH3CHO, यहां से देखो वाटर रिमूव हो जाएगा एंड इन द फर्स्ट स्टेप इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3CHO, बट द कैटलिस्ट आर स्ट्रॉन्ग सो देयर इज नो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इट रीच टू इट्स फाइनल प्रोडक्ट। तो एसिटिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, एसिटिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, और अगर हम मिथाइल अल्कोहल से स्टार्ट करते, हालांकि ये फॉर्मिक एसिड का लैब प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन अगर मिथाइल अल्कोहल से आप स्टार्ट करोगे सेम कैटलिस्ट, तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इंटू HCHO एंड देन फाइनली ऑक्सीडाइज इंटू फॉर्मिक एसिड। तो मिथेनॉल से स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, और प्रोपेनॉल से स्टार्ट करेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। तो दैट इज द मेथड ऑफ लैब प्रिपरेशन, मेथड ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम लैब में कैसे बनाते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा दैट इज कैमनोफोर अल्कलाइन सॉल्यूशन और K
के टू सी आर टू ओ सेवन एसिडिफाइड सोल्यूशन, क्या मोनोफोर का अल्केलाइन सोल्यूशन या के टू सी आर टू ओ सेवन का एसिडिफाइड सोल्यूशन यूज होगा इस प्रोसेस के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड, हाउ टू कॉमर्शियली प्रोड्यूस वो द कंपाउंड, है ना, कॉमर्शियल कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड, हाउ टू फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस कॉमर्शियली, फॉर्मिक एसिड को हम कॉमर्शियली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे. हाउ टू फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस कॉमर्शियली, नंबर वन, हाउ टू फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस कॉमर्शियली. तो क्या करते हैं इसके लिए, अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज हीटेड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर, देन इट गिव्स सोडियम फॉर्मेट, तब बनता है सोडियम फॉर्मेट, then it gives sodium formate. It is distilled over into formic acid. और उसको distill करके फिर formic acid का formation करते हैं. It is distilled over to formic acid. Okay? तो sodium formate बनाएंगे पहले. क्या काम करना पड़ेगा? NaOH को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड और लगभग 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट करेंगे. देन इट गिव्स HCOONa, सोडियम फॉर्मेट, एंड देन दिस सोडियम फॉर्मेट इज ट्रीटेड विथ NaHSO3. ओके, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ ट्रीट करेंगे. सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 होगा, ये सल्फाइट हो जाएगा, नहीं तो NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. तो अब यहां से आपको मिल जाएगा HCOOH फॉर्मिक एसिड प्लस Na2SO4, फॉर्मिक एसिड प्लस Na2SO4 इज द प्रोडक्ट. ओके, तो दिस इज प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड को कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने का मेथड है ये. यहां पे आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की जगह पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हो. तो वी आर यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट द प्लेस ऑफ दिस कंपाउंड. अब एसेटिक एसिड को कैसे कॉमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि विनेगर का यूज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसके सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है. हाउ टू एसेटिक एसिड इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस. सो द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एसेटिक एसिड, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एसेटिक एसिड अबाउट बात करते हैं. नंबर वन,
पहला मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन, फ्रॉम एसिटाइलिन, तो एक तो एसिटाइलिन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरा फ्रॉम एसिटाइलिन, सेकेंड वन इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ग्रीन वुड, इस बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, मिथेनॉल रिकवर किया था हम लोगों ने इससे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ग्रीन वुड। एंड द थर्ड वन क्विक विनेगर प्रोसेस, क्विक विनेगर, क्विक विनेगर प्रोसेस, क्विक विनेगर प्रोसेस। तो देर आर थ्री मैथड्स विच इज यूज टू प्रिपेयर एसिटिक एसिड कॉमर्शियली। तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड के लिए हमारे पास तीन डिफरेंट मैथड है। अब हम बात करेंगे पहले पर, वन बाय वन तीनों पर बात करते हैं। तो दैट इज फ्रॉम एसिटाइलिन, हाउ टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन से एसिटिक एसिड पर कैसे जाएंगे, पहले से ही प्रोसेस मैंने आपको बता के रखा ये वाला है ना। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं, कैल्सियम कार्बाइड CaC2, दिस इज कैल्सियम कार्बाइड, ओके, थ्री सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड इज देयर इन कैल्सियम कार्बाइड, थ्री सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड इज देयर इन कैल्सियम कार्बाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्सियम कार्बाइड, कैल्सियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इट गिव्स एसिटाइलिन गैस, इट इज ऑल्सो लैब प्रिपरेशन एंड कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन गैस, एंड दिस गैस इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, और इसको हम फल को पकाने के लिए यूज करते हैं, हालांकि ये पॉइजनस होता है बट देर इज नो स्ट्रॉन्ग रूल इन इंडिया, सो एसिटाइलिन बन जाएगा एंड इट गिव्स कैल्सियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइलिन, एंड देन एसिटाइलिन इज गेट हाइड्रोलाइज, एसिटाइलिन पर वाटर का रिएक्शन करेंगे अंडर द कंडीशन 40% ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, 40% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, 40% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1% ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज नोन एज कुचरॉब्स रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं कुचरॉब्स रिएक्शन, ओके। तो दिस इज कुचरॉब्स रिएक्शन, H+ एंड OH- आयन, तो किसी को भी हम अभी कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज सिमेट्री, सो देयर इज नो नीड ऑफ मोकोनिक ऑफ रूल, CHOH इज द कंपाउंड विनाइल अल्कोहल, इट इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड एंड गेट टोटोमराइज, तो टोटोमारिज्म शो करता है ये कंपाउंड, और टोटोमारिज्म के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में। नाउ द फाइनल कंपाउंड जो यहां के रिएक्शन से आएगा वो है एसिटाल्डिहाइड, सो दिस वे वी आर यूजिंग टू कन्वर्ट कैल्सियम कार्बाइड इनटू एसिटाल्डिहाइड, एंड नाउ एसिटाल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज बाय वैनेडियम पेंटोक्साइड V2O5 नियर अबाउट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इंटू इथेनॉइक एसिड। तो दिस इज द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो पहला हमने क्या काम किया, कैल्सियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस किया, देन इट इज कन्वर्टेड इंटू एसिटाइलिन गैस, फिर एसिटाइलिन गैस का हाइड्रोलिसिस, एसिटाइलिन गैस का एसिडिक हाइड्रेशन किया, देन इट इज कन्वर्टेड इंटू एसिटाल्डिहाइड बाय अ विनाइल अल्कोहल, एंड देन एसिटाल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज, फिर उसके बाद हमने एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाया, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने के बाद हमको कंपाउंड मिला एसिटिक एसिड। अब अगले मेथड पर बात करते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ग्रीन वुड। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था स्मॉल पीसेस ऑफ ग्रीन वुड,
लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, ग्रीन वुड, हरी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ध्यान रखना है? एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में हीट करना है, हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। नाउ इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड पाइरोलिग्नस एसिड। तो क्या बना के क्या मिलेगा? उसमें से आपको पाइरोलिग्नस एसिड मिलेगा, एंड इट्स मेन कंटेंट इज एसिटिक एसिड। और इसमें क्या क्या चीजें होती? एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन आर द कंटेंट ऑफ एसिटिक एसिड ऑफ द पाइरोलिग्नस एसिड। हियर 8-10% ऑफ एसिटिक एसिड एंड ओनली 2-3% ऑफ मिथेनॉल, ओके, एंड 0.1-0.4% एसीटोन इज ऑल्सो हियर, ओके। तो देयर इज द थ्री कंपाउंड्स इन पाइरोलिग्नस एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, दैट इज मिथेनॉल एंड फाइनली एसीटोन। तो ये तीन कंपाउंड आपको मिल जाते हैं पाइरोलिग्नस एसिड के अंदर। अब इसमें से क्या करना है? एसिटिक एसिड को रिकवर करना है, तो वो भी मैंने आपको बताया था हाउ टू रिकवर एसिटिक एसिड। कैसे रिकवर करेंगे? द मिक्सचर इज ट्रीटेड विथ लाइम वाटर। मिक्सचर में सबसे पहले लाइम वाटर डालेंगे, ओके। द मिक्सचर इज ट्रीटेड विथ लाइम वाटर ओनली, द एसिटिक एसिड इज हियर एसिडिक इन नेचर एंड अदर टू कंपाउंड्स आर न्यूट्रल। अदर टू कंपाउंड्स कैसे? ऑलमोस्ट न्यूट्रल। सो एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर टू फॉर्म सॉलिड कैल्शियम एसिटेट। एसिटिक एसिड लाइम वाटर से रिएक्ट करके सॉलिड कैल्शियम एसिटेट बना लेगा, इट गिव्स सॉलिड कैल्शियम एसिटेट। देन इट इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कैल्शियम एसिटेट को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर देंगे, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड और विनेगर। तब आपको मोस्टली जो है उस कंपाउंड में विनेगर आपको मिल जाएगा, ओके। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम पाइरोलिग्नस एसिड। एंड नाउ द थर्ड मेथड, दैट इज क्विक विनेगर प्रोसेस। हाउ टू इट इज कन्वर्टेड बाय क्विक विनेगर प्रोसेस? तो क्विक विनेगर प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो ये ध्यान रखेंगे 7-8 days यहां पे लगने वाला है। कितना? 7-8 days, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियली बनाना है तो लार्ज स्केल पे बनेगा। समझ सोचिए कि लैब में तो 2 मिनट में बन सकता है, ऐसा नहीं, कॉमर्शियल मतलब ह्यूज अमाउंट में बनाना है तो टाइम लगेगा उसमें। तो दिस इज द फास्टेस्ट वन, क्योंकि नॉर्मली इसको जो है हम कैन शुगर जूस से बनाते हैं। गांव में आप देखोगे तो जो गन्ने का रस होता है उससे बनाते हैं विनेगर। तो गन्ने के रस को क्या करेंगे? जो कच्चा रस है गन्ने का, मतलब जिसको अभी हमने बॉइल नहीं किया है, उस कच्चे रस को मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, मटका समझ लीजिए, उसमें रखते हैं, ऊपर से कपड़े से बांध देंगे एंड लेफ्ट इट, और उसको रखेंगे और भूल जाएंगे 2-3 महीने के लिए, एंड देन इट इज ऑक्सीडाइज एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू विनेगर। तो ऑक्सीडाइज होते होते धीरे धीरे वो विनेगर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप समझ ही रहे हैं कि वो मीठा है, तो इट कंटेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर उसको निकालेंगे उस रस को एंड देन बॉइल्ड इट, और उसके बाद उसको बॉइल करेंगे। बॉइल करने के बाद तब वो कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। तो आफ्टर टू टू थ्री मंथ इट इज कन्वर्टेड इनटू विनेगर। इट इज लॉन्ग प्रोसेस बट दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ विनेगर। वो विनेगर का बहुत अच्छा क्वालिटी रहेगा, क्योंकि मोस्टली इट इज यूज इन प्रिजर्वेटिव के लिए यूज होता है विनेगर। खाने पीने की चीजों में डालते हैं, और इसके साथ साथ
इसमें बहुत सारा लैक्टोबैसिलस भी होता है, तो वेरी गुड फॉर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, पेट दर्द है, तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा यूजफुल वर्क करता है। ठीक है, तो बात करते हैं अबाउट क्विक विनेगर प्रोसेस। क्या बताया मैंने, 7 to 8 days का टाइम लगेगा और 5 to 10%, क्योंकि देखें कॉन्सेंट्रेटेड फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, तो 5 to 10% एसिटिक एसिड केवल यहां पे मिलने वाला है। और हम लोग ऐसा कहते भी हैं कि विनेगर कंटेन 10% एसिटिक एसिड, अबाउट 8 to 10% एसिटिक एसिड, लेकिन ये चूंकि फर्मेंटेशन है इसलिए मैंने 5 to 10 रखा है। तो विनेगर के अंदर 8 to 10% एसिटिक एसिड होता है, ये भी ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विनेगर कंटेनिंग आर अबाउट 5 to 10% आर 8 to 10% ऑफ एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर 8 to 10% एसिटिक एसिड होता है। अब देखो द प्रोसीजर इज व्हाट, C2H5OH इज ऑक्सीडाइज, इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज बाय एंजाइम माइकोडर्मा एसिटाइल बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, और एसिटोबैक्टर भी यूज कर सकते हैं। अगर माइकोडर्मा अवेलेबल नहीं है तो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया भी यूज कर सकते हैं, और 7 to 8 days के अंदर ये इसको कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो विद इन 7 to 8 days द माइकोडर्मा एसिटाइल बैक्टीरिया कन्वर्ट द इथेनॉल, ऑक्सीडाइज द इथेनॉल इनटू एसिटिक एसिड। तो माइकोडर्मा एसिटाइल बैक्टीरिया यूज करेंगे यहां पे, या एसिटोबैक्टर यूज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ओके, और 7 to 8 days में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा इसके प्रिपरेशन पर और बात कर लेते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसका बुक कुछ जगह पे इसके डायग्राम्स भी हैं, तो इसको डायग्रामेटिकली भी आपको रिप्रेजेंट कर लेना है। देखो ये इसका छोटा सा एक डायग्राम है, एंड हियर इज द रिकवरी ऑफ एसिटिक एसिड, जब बनकर आएगा तब मिलेगा वो 7 to 8 days में। ओके, और ये एक इट इज अ स्टील कंटेनर और आयरन कंटेनर, लोहे का बना हुआ एक बड़ा टैंक होता है, आयरन का कंटेनर है। देयर इज आयरन कंटेनर कंटेनिंग वुडन बैट्स, जिसके अंदर वुडन बैट्स लगी होती है, वुडन बैट्स, वुडन बैट। ओके, और इन बैट्स के अंदर, इनके बीचों बीच क्या करते हैं, व्हाट हैपेंस हियर, तो वुडन बैट होगा और इनके बीच जो है वो वुडन स्क्रैप प्लस अमोनियम क्लोराइड, दिस इज फूड फॉर द एंजाइम्स, प्लस वुडन स्क्रैप मिक्स्ड विथ ओल्ड विनेगर। वुडन स्क्रैप को क्या करते हैं, ओल्ड विनेगर के साथ मिक्स करके डालते हैं, और अमोनियम क्लोराइड का कॉम्पोजिशन, तो थोड़ा वुडन बैट्स के अंदर क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और ओल्ड विनेगर को मिक्स करेंगे। जो वुडन स्क्रैप रहेगी ना, लकड़ी का जो बुरादा रहता है, उसको क्या करेंगे, ओल्ड विनेगर में भिगा देंगे और उसमें थोड़ा अमोनियम सॉल्ट डाल देंगे। और ये जो कंपाउंड है आपका ओल्ड विनेगर जो है, इट कंटेंट एंजाइम माइकोडर्मा एसिटाई, तो माइकोडर्मा एसिटाई कहां से मिलता है मुझे, ओल्ड विनेगर से मिलता है। देन देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इथेनॉल, उसके बाद इथेनॉल को कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं, C2H5OH डाइल्यूटेड इथेनॉल का कंटिन्यूअस फ्लो करेंगे, तो डाइल्यूटेड इथेनॉल इज कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल, एंड द बैक्टीरिया माइकोडर्मा एसिटाई फाइनली ऑक्सीडाइज द इथेनॉल इनटू एसिटिक एसिड। तो माइकोडर्मा एसिटाई क्या करेगा, इथेनॉल को एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये वुडन बैट्स के बीच में
वुडन स्क्रैप, और वुडन स्क्रैप के साथ साथ क्या क्या चीजें वुडन स्क्रैप में मिक्स करते हैं, ओल्ड विनेगर, एंड ओल्ड विनेगर के साथ साथ सम अमोनियम सॉल्ट्स विच इज फूड फॉर द एंजाइम्स। ठीक है, तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। क्विक विनेगर प्रोसेस इज कन्वर्टेड ऑक्सीडाइज इथेनॉल इनटू एसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम माइकोडर्मा एसिटाइल। ओके, इन दिस प्रोसेस देयर इज अ स्टील कंटेनर और आयरन कंटेनर कंटेनिंग वुडन बैट्स वेयर वुडन स्क्रैप इज मिक्स्ड विद ओल्ड विनेगर एंड अमोनियम सॉल्ट। इट इज कंप्लीटली प्लेस्ड बिटवीन द वुडन बैट्स एंड फ्रॉम अपर साइड देयर इज डाइल्यूट इथेनॉल इज कंटिन्यूसली स्प्रेड एंड दिस इथेनॉल इज कन्वर्टेड इंटू एसिटिक एसिड बाय द एंजाइमेटिक एक्शन। तो दिस इज द क्विक विनेगर प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस द एसिटिक एसिड। ओके, तो देयर इज द कमर्शियल प्रोडक्शन एंड द lab production of formic acid and acetic acid. In the next lecture we are going to talk about some more process about preparation and then properties of acids.